सो हेलो गाइस, मैं हूँ हैरी द पॉटर और आप वापस देख रहे हो गेमिंग विद पॉटर। तो गाइस आज वापस से मैं आ चुका हूँ आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के ब्रांड न्यू द सेंटर मैप में, मतलब हाँ मैप में। तो गाइस यार, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने कैसे प्रोग्रेस किया और यार काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें करी हैं, देख सकते हो यार। सबसे पहले तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार एक मुसीबत हो गई है। मुसीबत ये हो गई कि मैं एक पैट्रा जो है ना, अपना पुराना वाला जो पहला पैट्रा पकड़ा था, मैं वो पहाड़ की चोटी है ना, गलती से मैं उस पर बैठने गया और नीचे गिर गया मतलब, और वो सबसे ऊपर पहाड़ पे अभी तक अटका है। तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो यार ये गड़बड़ हो गई है, तो जाना तो पड़ेगा यार, क्या ही करें। तो गाइस ऐसा करते हैं, चलते हैं वहाँ पर लेने। उससे पहले मैं ऑयल बना लेता हूँ। ऑयल यार हाइड चाहिए था। ओके हाइड, चलो हाइड है तो मैं, अबे यार आ जाना भाई, एक बार में नहीं आती है भाई, ये दिमाग ख़राब होता है। मैं ऑयल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं फैब्रिक बना के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाला हूँ, और आज यार चिथिन भी फार्म करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, अपने को चाहिए, और मेटल का बेस भी बना सकते हैं। तो चलो यार पहले तो अपना बैटरा लेके आते हैं, क्योंकि यार बहुत दूर है बैटरा, वो अपना दूर नहीं मतलब पास ही में। ओके मैं वहाँ तक गया था, फिर यार मैंने सोचा व्यू अच्छा आ रहा है कि स्क्रीन शॉट लेता हूँ। फिर मैं वहाँ जैसे उतरा भाई साहब, वैसे मैं नीचे गिर गया। तो यार हो जाता है कभी कभी, ये देख रहे हो बेस बना रहे हैं, एक क्लिप लगा के यहाँ बेस बना सकते हैं, लेकिन क्लिप के लिए यार फंगल वुड चाहिए, और द सेंटर में फंगल वुड मिलती है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। वो देख रहे हो सबसे ऊंची वाली चोटी है, जो मतलब बड़ा सा पिलर टाइप का पहाड़ है, वो उसी के ऊपर मेरा पैट्रा है भाई, उसको लेना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ कि मेरे पास पैराशूट था तो मैं नीचे आ गया, नहीं तो मैं मर जाता भाई साहब, तो मेरा भी कल्याण होते होते बच गया है। अभी मैं फूड खा लेता हूँ। ओके वो रहा, वो देखो वो रहा भाई साहब, चलो मिल गया। और यार मैंने ये भी देखा यहाँ पर कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेटल्स है, तो मेटल की कोई चिंता नहीं होने वाली है मेरे को। मेटल वेटल चाहिए होगा तो मैं आ जाऊँगा यहाँ लेने। तो मैं ये वाला जाऊँगा चिकन फार्म करने, क्योंकि इसका जो है ना भाई। ओके हम आ गए भाई बेस भाई, तो अनफॉलो कर इधर। अरे यार अनफॉलो करा दिया लेकिन नीचे नहीं आया था। ओके चल भाई, दो पैट्रा है। और अबे भाई भाई बैठ जा, बस बस ये मेल है और ये भी मेल है, तो मीटिंग होना संभव है। तो यार फौज के अंदर काफ़ी मेटल हो चुका है, तो मैं ऐसा करता हूँ क्रॉसबो बना लेता हूँ। यार स्मिथि कहाँ पर है, ये रही। आज यार मेरे को पता है ऑसम टेलीपोर्टर बनाने का है, ऑसम टेलीपोर्टर बनाना ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं जा रहा हूँ एक लावा साइट, वहाँ पर शायद से ऑब्सीडियन मिल जाए या फिर ऑर्गेनिक मेंटिस अंटिस देखता हूँ मारने के लिए अगर हो सकता है। तो चलते पहले यार उधर ही चिथिन उथिन फार्म करने के, सीमेंटिंग पेस्ट बनाने का है अपने को, तो इसको ही लेके जाते हैं। मैंने इसका स्टैमिना बढ़ा के रखा है, वैसे इसका डैमेज उतना नहीं है, तो यार कोई बात नहीं, डैमेज नहीं है तो मैं इसको इसलिए लेके जा रहा हूँ, स्टैमिना ज़्यादा है, इसमें भागने काम आएगा ये। तो देखते हैं यार किधर शायद होता है लावा, मतलब इसमें मेरे को ये देखो मैंने पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया, मैप जितना है उतना ही है। और मैं गया था उस दिन तो समुंदर साइड भी खुल गया, मैं सिल्का पल्स लेने गया था कल। तो यार मैंने सिल्का पल्स के साथ ब्लैक पल्स भी देखे थे उधर, तो मैं वो ले नहीं पाया क्योंकि यार मेरा ऑक्सीजन लेवल और वो साले को क्या कहते हैं उनको, जेली फिश आ गई थी भाई साहब। ये मॉस्चॉप यहाँ क्या कर रहा है भाई, गधे यहाँ क्या कर रहा है भाई। अच्छा मॉस्चॉप नहीं है ये, थैरी है भाई, उसकी पूँछ मॉस्चॉप जैसी लगती है भाई साहब। ओके ट्राई कराई कि यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके थैरी यार मिल जाए तो वुड वुड काफ़ी ज़्यादा फार्म हो सकती है। ओके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा औसम चीज़ें हैं, इनकी चोटियों पे यार काफ़ी मेटल्स मिल जाता है, तो यार ये अच्छी बात लगी मेरे को। ओके चलो ड्रॉप लूटते हैं, ड्रॉप काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, लूट लेना चाहिए हरदम, ड्रॉप लूटते हुए चलो भाई साहब, चलो तो चलो ड्रॉप भी ले चलो। ओके ये सब नहीं चाहिए मेरे को, साले फालतू चीज़ें देते हैं भाई।
ड्रॉप ही तोड़ देना चाहिए ऐसा ड्रॉप भाई, ऐसा ड्रॉप देने से अच्छा तोड़ दो भाई साहब। ओके मैं देखता हूँ यार कहाँ है लावा साइड, ओके तो मैं वहाँ मिलता हूँ डायरेक्टली। सो गाइस यार मैं आ चुका हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लावा है। ओके ये पता नहीं कौन सी जगह है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये मैंने सोचा दिखा दूँ आपको भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर से यार हॉरर टाइप का लग रहा है। देख लो भाई साहब मुझे लगा ये है क्या चीज़, पहले मैं पास जाके देखना चाहूँगा भाई साहब। मेरे को दूर से लगा मुंह है और दो आंख ऊपर बनी है भाई साहब, रात में तो और डरावना लग रहा था भाई। ओके मैं पूरा मैप तो नहीं घूमा लेकिन थोड़ा बहुत तो घूम के आया हूँ। ओके और मेरे को तो यार पॉलीमर चाहिए चाहिए, क्योंकि यार बनाने का है अपने को टेलीपोर्टर। एक बार टेलीपोर्टर बन गया ना गाइस तो समझो अमर हो गए हम, तब अमर हो गए भाई साहब, यही बात है। अमर होने के लिए टेलीपोर्टर ज़रूरी है। ओके ये जगह मैं वैसे आया तो नहीं हूँ कभी, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह दिख रही है ये। ओके अंदर भाई गर्मी होगी क्या? ओके यहाँ पर चिकन काफ़ी मिलने वाला है मेरे ख्याल से। ओके ये स्नेक मार हट बे, कल आना कल, कल समझ रहा है कल 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 परसों भी आ सकता है, उसकी चिंता नहीं। लेकिन मरा तो मरा, काट के मरा साला। एक चिथिन नहीं मिलती क्या इससे भाई? रॉ मीट मिलता है, मतलब स्नेक से चिथिन मिलता है। ओके ऑब्जीडियन है यहाँ पर, तो यहाँ मैं देख लूँ सब खाली है ना, फिर ही मैं उतरूँगा। ओके यहाँ लावा देख रहे हो भाई साहब क्या बह रहा है लावा। ओके यहाँ काफ़ी क्रिस्टल एंड, ओ भाई ये तो काफ़ी अच्छी जगह है गाइस, यहाँ से यार काफ़ी रिसोर्सेज है। ओके ये काफ़ी अच्छी जगह आ गया मैं, चलो भाई ऑब्जीडियन फार्म करते हैं और क्या, ऑब्जीडियन चलेगा भाई। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर एक टेलीपोर्टर लगाना पड़ेगा मेरे को ऑब्जीडियन के। ओके मेटल वेटल तो भाई चाहिए तो नहीं, लेकिन फिर भी ले लेते हैं आगे काम आएगा भाई। पूरा पूरा मतलब जितनी चीज़ें हैं ना यहाँ पर क्रिस्टल विस्टल सब फार्म कर ले जाऊँगा मैं भाई। चलो अब चलते हैं भाई यहाँ से, क्योंकि मेरे को मेंटिस चाहिए। इसमें मेंटिस होता है कि नहीं मुझे ये नहीं मालूम। ओके ये क्या सीन था भाई, नीचे थोड़ा वैसा ऊपर थोड़ा वैसा। ओके मेंटिस वेंटिस चाहिए था मेरे को, मुझे लगा चिथिन इथिन मिल जाती यार यहाँ पर तो अच्छा लगता। ओके ऊपर भी भाई इतना ऑब्जीडियन है, काफ़ी अच्छी जगह यार यहाँ पर, लेकिन मैं उतना ही लेंगा ना जितना मेरे को ज़रूरत है, तो मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ। ओके चलो मैं और देखता हूँ यार, एक्सप्लोर करता हूँ ये मैप। ओके इधर नहीं जाने का है, इधर जाता हूँ मैं। ओके चलो इधर साइड देख के आते हैं गाइस क्या है। ओके ये देखो यार ये जगह पे हम बेस बना सकते हैं एक्चुअली। ओके यहाँ पर मैं आ गया हूँ 5965 साइड। ओ ये वही जगह है जहाँ पर मैंने एक बार न्यूरो के साथ खेला था भाई, यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेस बन सकता है भाई, पूरा किला है यार इधर तो। ओके यहाँ ऑलरेडी बेस बना चुके हैं बंदे, ये देखो मतलब अच्छी अच्छी जगहों पे पहले से बेस बन चुके हैं, तो यहाँ से चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को सीक्रेट लोकेशंस देखनी है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं भाई इस मैप में, क्योंकि ये मैप मैंने ज़्यादा नहीं खेला है भाई, ज़्यादा क्या मैंने खेला ही नहीं है। क्रिस्टल की कमी नहीं है यहाँ पर, ओके तो क्रिस्टल की कमी नहीं है, मैं रीटेक करूँगा साले। ओ भाई इतना क्रिस्टल है यहाँ पर, देख रहे हो भाई साहब यहाँ ऑलरेडी बंदों ने लगा के रखा है टेलीपोर्टर, तो ये अच्छी बात है यार। ओके काफ़ी ज़्यादा तेज हवाएं चल रही है भाई, चलो यार देखते हैं, मैं इधर साइड भी आ गया हूँ। इस मैप में क्रिस्टल की कमी नहीं है मेरे ख्याल से भाई। ओके ये क्या कौन सी जगह है भाई, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बना के रखी है यहाँ पर, मैप तो ओपी है भाई। अबे भाई चढ़ जा। ओके ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा नहीं, मेरे को उधर ही साइड एक अच्छा बिल्ड बनाने का है।
ओके यहाँ पर विवरिन विवरिन सब भाई साहब बंदे भाई एक नंबर करके रखे। देख रहे हो पीवीपी होता तो मेरी फट जाती, लेकिन ये पीवी ही है तो ज़्यादा फटने का नहीं। चलो भाई चलते हैं यहाँ से कहीं दूर, देखते हैं भाई कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। ओके स्वाम्प साइड आ गया मैं, स्वाम्प पे प्लांट टैक्स की सीड मिल जाती है तो ये अच्छी बात है भाई, लेकिन मैं वहाँ उतरूंगा नहीं, मेरी फटती है भाई वहाँ उतरने पे। तो मैं देखता हूँ यार कोई ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी सीड मिल जाए। ओके तो गाइस शायद से हम लोग ये इस साइड आ गए जहाँ हम लोग को आना था। ओके रुक जाओ 2 मिनट, पहले मैं यहाँ पर बैठता हूँ फिर बताता हूँ। ओके ये वही जगह है देखो लावा हवा साइड, जहाँ पर शायद से अपने को यार इसमें मेंटिस होते होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो यार वैसे चिथिन उथिन तो मिल ही जाएगी। मैं डरा दिया भाई, क्या सीन चल रहा है भाई। ओके तो देखते हैं यार चल के क्या सीन चल रहा है, क्योंकि तो यार अपने को तो चाहिए यार काफ़ी रिसोर्सेज जो कि अपने को आगे बढ़ा सकती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट कर सकती है मेरे को। ओके यहाँ पर केकड़ा है, ओके हो गया चिथिन का जुगाड़, केकड़ा ही तो चाहिए था भाई, बच गया भाई, अब नहीं बचा लेकिन। अरे यार एक तो सीध पे रुक भाई, तू भाई रुक, मिल गई। देखो रैप्टर वर्सेस रैक्स कौन जीतेगा भाई, ये तो छोड़ो, वो कह रहा मैं जीत चुका। ओके यहाँ ये क्या है, मर भाई तू मर जा भाई तू। अरे भाई हार्वेस्ट हो जा, नाइस हार्वेस्ट तो हो गया भाई, जितने दिन काफ़ी फार्म करके ले जाऊंगा मैं यहाँ पर। और क्या भाई क्या सीन चल रहा है भाई यहाँ पर, डर लग रहा है भाई मेरे को, ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। भाई लग रहा मेंटिस नहीं होते क्या इस वाले मैप में यार, क्योंकि मेंटिस ही चाहिए मेरे को यार, मेंटिस से ही तो मैं अपना फार्मिंग कर सकता हूँ, मतलब फार्मिंग कह रहा हूँ उसी से तो पॉलीमर मिलेगा, नहीं तो मेरे को ऑब्सीडियन से पॉलीमर बनाना पड़ेगा। ओ भाई एसिडेंट एसिडेंट पंप एक्शन शॉटगन मिल गई, ये कुछ अच्छी चीज़ मिली। तो गाइस ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है मेरे, फट रही है भाई इधर साइड, मैं इधर। ओ भाई कितना देख रहे हो, सफ़ेद सफ़ेद पूरा धुंध है भाई, यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकल लो भाई, धुआं ही धुआं है वहाँ पर तो। ओके मैं इधर साइड आ गया, पानी पानी है यहाँ पर, और आगे चलो भाई। शायद से बारिशी का मौसम हो रहा है क्या, पूरा मतलब सुहाना सुहाना। ओके यहाँ भी पूरा अंधेरा ही अंधेरा है भाई, वहाँ पर भी अंधेरा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं इधर साइड जाता हूँ भाई साहब, क्या सीन चल रहा है यार। पॉलीमर बनाता हूँ मैं, चलो देखता हूँ यार, अगर आपको मालूम है यार मेंटिस की लोकेशन तो कमेंट करके बताना यार मेरे को। चलो यार हम बेस तो पहुँच चुके हैं अपने भाई साहब। ओके बेस पहुँच गया मैं, यहीं पर उतरता हूँ भाई, उतर जा भाई तू उतर जा। फीमेल होता तो इनकी ब्रीडिंग करा देता मैं। ओके तो मैं काफ़ी चीज़ लेके आया हूँ पेट्रा की पेटी में, तो 1500 चिथिन काफ़ी होना चाहिए मेरे ख्याल से, और हाइड्राइड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके ये सब फेंक देता हूँ, अंधेरा है कुछ दिख भी नहीं रहा मेरे को, अरे मतलब मेरे रियल लाइफ में अंधेरा है गेम में नहीं। ओके चलो भाई हो गया। ओ मैं ऐसा करता हूँ सबका सीमेंटिंग पेस्ट बना लेता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशंस भी बनाने हैं मेरे को। ओके सीमेंटिंग पेस्ट, वन नाइन्टी बन रहा है, ओके कोई बात नहीं। ओके ये इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं यार इस वाले की, तो ये फेंक देता हूँ मैं। ओके सो गाइस मैं बनाने वाला हूँ फैब्रिकेटर। ओके ये कौन सा है भाई, फैबर की फैबरी फैबरी
ये किस में बनेगा भाई, फैब्रिक क्रिएटर प्लस ये बनेगा किस में? प्लेस मटेरियल ये सब है मेरे पास, लेकिन ये बनेगा किस में? ओके शायद से ये गाइस इसमें बनेगा। ओके मैं समझ गया, मे बी ये ऑब्जीडियन। ओके ये बना लेता हूँ मैं। क्या चाहिए भाई, 30 क्या चाहिए तेरे को? 30 सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए भाई। सीमेंटिंग पेस्ट तो है ना मेरे पास, इतना सीमेंटिंग पेस्ट है कहाँ लेके जाऊँगा मैं। ओके बन गया, और इसको मैं यहीं कहीं प्लेस कर देता हूँ। काफ़ी छोटा है यार ये तो। ओके अगर मेरे को ज़्यादा पॉलीमर नहीं मिलता तो मैं मैप चेंज करके मैप से लेके आऊँगा, कहीं ना कहीं से तो लाऊँगा लाऊँगा। ओके अनपावर्ड है ये, और इसी में बनेगा बाकी। ओके इसमें बनेगा सुपर मिनी ग्राइंडर, और ये सुपर मिनी फॉर्ज भी, और ये भी इसी में बनेगा। तो नाइस यार, ये ओपी चीज़ है, वो मिल गई मेरे को। ओके ये वाली स्मिथी किस काम आती है? इस फ्लोटिंग आइलैंड। ओके फ्लोटिंग आइलैंड मैंने देखा नहीं कि बनेगी किस में ये। इस ऐसे हाथी बनेगी फ्लोटिंग आइलैंड। ओके ये रही। अब क्या चाहिए भाई? नो रिसोर्स टू ट्रांसफर, क्या चाहिए इसके लिए बनाने के लिए? ओ भाई किस में बनेगी यार, मुझे नहीं मालूम। चलो छोड़ो इसको, आई डोंट नो, नो रिसोर्स टू ट्रांसफर। और ये बता भी नहीं रहा ये बनेगी किस में। तो शायद इसमें बन सकती है, आई डोंट नो। नहीं इसमें तो नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। ओके मैं ये बना लेता हूँ फैब्रिक, एक सिंपल सा फैब्रिक बनाता हूँ पहले, फिर वाला फैब्रिक देखता हूँ मैं कहाँ बनता है। ओके सीमेंटिंग पेस्ट लगेगा, और क्या चाहिए? 50 क्या चाहिए भाई तेरे को? 50 स्पार्क पाउडर। अबे इसमें से घसीटता नहीं है शायद से, ये गड़बड़ है यार। मतलब घसीट लेगा तो अच्छी बात है। चलो भाई ओके अब बन जाएगी। चलो भाई देख रहे हो बन गई। अब मैं ऐसा करता हूँ, 10 10 फाउंडेशन बनाता हूँ। ओ सॉरी। ओके 10 फाउंडेशन, रुको मैं फाउंडेशन बना के पहले प्लेस करूँगा, फिर बाकी सब सब चीज़ें करता हूँ। रुक जाओ, मेरे को थोड़ा बेस जो है ना अपना इंक्रीज करने का है, मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ाने का है। बढ़ाने का तो मैं मेटल ही का बढ़ाऊंगा डायरेक्ट। ओके मेटल ही वही खत्म हो गया। ओके फाउंडेशन चाहिए मेरे को और लग जा भाई, और तू भी लग जा, और तू भी लग जा। ओके फाउंडेशन खत्म भाई, 10 फाउंडेशन काफ़ी कम है यार, तो मेरे पास सीमेंटिंग पेस्ट भी नहीं है। तो ओके तो मेटल का बना लिया हमने ये सब चीज़ें। अभी इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, और आगे चल के जो भी होगा वो देख लेंगे हम लोग। सो यार मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? ओके सीमेंटिंग पेस्ट में सोच रहा हूँ बचा के रखूँ, मैं फालतू चीज़ें ना बनाऊँ। तो इसको यहाँ प्लेस करता हूँ मैं। इन सबको बनाने के लिए यार गैसोलीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं। ओके गैसोलीन पूरी बन गई यार भाई, बस कर भाई, हो गया ना गैसोलीन तो पूरी बन गई। ओके ओ मेटल तो इसमें प्लेस करना ही भूल गया मैं। चल भाई मेटल भी मेल्ट हो जाओ। कितने मेटल रह गए हैं? तो मेटल सारे मेल्ट हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन हाफ में हो गए। जैसे 10,000 में डालूंगा तो सिर्फ 5,000 होगा मेटल मेल्ट, तो ये थोड़ा सा मतलब घटिया है। मेरा गला बैठ गया क्या? ओके कोई बात नहीं।
16,000 मेटल शायद से है मेरे पास। ओके, थैचर डाल देता हूँ, फाइबर इसी भी डाल देता हूँ और वुड भी डाल देता हूँ। मैं क्या ही करूँगा सब रख के, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को ये एसिडन की चीज़ें जो मिली है इसे भी डाल देता हूँ, ये भी डाल देता हूँ। और ये 16,000 है कि 1600 है? ओके, 16,000 ही लग रहा है मेरे को। हाँ 16,000 है ये। ओके अच्छा हाँ हमने वहाँ, अरे यार चलो कोई बात नहीं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए मेटल इंगट चाहिए। मैं कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स बना लेता हूँ 100, और इसको ये 100 बनेगी, 100 शायद से ना बने। ओके 100 बन सकती है, कुछ कह नहीं सकता मैं। ओके ये बनाते हैं, फिर इसको बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स तो भाई साहब नीड है अपने को, रिक्वायर रिसोर्सेज इन इन्वेंट्री। भाई साहब मेटल नहीं है क्या भाई? ओके चलो इसको बना। ओके अब मेरे को क्या चाहिए, अब इसको बना लेते हैं भाई, बन गया। और ये क्या है, पर्सनल ग्रेव डेथ रिकवरी, यू कैन रिक्लेम द इन्वेंट्री टू। ओके मैं समझ गया, ये बिल्कुल टेलीपोर्टर जैसा काम करता है, लेकिन मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिंपली इसका रिमोट बनाने का। पहले तो इसको प्लेस कर लेता हूँ मैं, और यहाँ प्लेस करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ भाई। नाम 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 रीनेम, इसका नाम मैं रख देता हूँ बेस, सिंपल सी बात है, बेस ही नाम होगा। ओके ओके जब तक यार वो बन रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा यार नार्को बेरी फार्म करके, नार्को बेरी थोड़ी सी फार्म कर लेता हूँ, देखता हूँ। ओके चलो भाई पाइप बना लेते हैं भाई, पहले तो पाइप। ओके ये वाला, ये वाला। ओके चलो भाई ये अच्छी बात है। भाई ये वाला और ये वाला, भाई काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसमें वाटर एक भी नहीं डालने का है मेरे को। ओके पानी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भाई साहब, पानी पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है इसमें। चलो भाई पानी गया, सारी बोतलें डाल देता हूँ। ओके इसमें आप कोई सी बेरी डाल सकते हो, मैं जो बेरी चाहिए ये सारी बेरी, लेकिन डालना है तो एक ही डालना, और थैचेस डाल देना और खाली बोतल्स डाल देना बस। अब आपको वेट करना है, वेट मतलब काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। वेट का मतलब समझ रहे हो, इसमें वेट का मतलब है काफ़ी टाइम तक वेट करना। ओके इसके अंदर डालना पड़ेगा मेरे को, और इसमें पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए मैं भाई साहब ये निकल जा भाई, निकल और तू भी निकल भाई। चलो भाई निकाल दिया मैंने इसको, मैंने ऐसे यहाँ लगा दिया है, लेकिन आप ऐसे मत लगाना, आप ग्रीन हाउस में भी लगा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है कि नहीं ये नहीं मालूम मेरे को इसमें, चलो लेकिन लगा दिया मैंने। ओके अब कनेक्ट भी कर दिया, अब ये पता नहीं कितना टाइम लेगा एक जार बनाने में, एक जार बनाने में पता नहीं कितना कितना टाइम ले सकता है। मैंने 50 तो नहीं डाले, लेकिन इसमें 50 एंड 50, आप कोई सी बेरी डाल सकते हो। मैं ये भी डाल देता हूँ, साले को ऐसे रखी है। आप चलते भाई टेमिंग करके। ओके ये रख देता हूँ मैं, और ये भाई फेंको, और ये सब बेरी रखे रहता हूँ अपने पास। चलो भाई अब चले टेमिंग करने, नार्को बेरी है मेरे पास, एरो बना लेता हूँ मैं भाई, इतने एरो में हो जानी चाहिए, 35 एरो है, हो जानी चाहिए। तो कहाँ है मेरा वो भाई, पीछे
पीटी का है दूसरा वाला, उसको ले जाऊंगा। ये रहा, ये है, सॉरी। सो यार मैं इधर आ रहा था तो मेरे को यार मॉस चॉप दिख गया, अभी दो दो। भाई मारना नहीं, तू मारेगा तू मर जाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा वो भी। हाँ भाई मालूम था मेरे को, साले हट हट तेरी ऐसी तैसी, बोला था मारेगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। ओके मॉस चॉप दिख गया मेरे को, और ये मॉस चॉप जो है ना रेयर मशरूम मांग रहा था, मैंने कहा निकल। और ये मांग रहा है भाई पीस। आह आह भाई 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 रुक 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 रुक, ओके ये भोला हो गया, भोला हो गया मतलब भोला नहीं भोला हो भोला। ओके इसको टेम करूंगा मैं, साला रैप्टर मेरे को मारने आ रहा था। चल साले निकल, कहाँ गया भाई वो, बैठ रहा हूँ वहीं बैठ बे। भाई साहब मेरे को मारने आ रहा था, इसी को टेम कर लिया मैंने। ओके 90 लेवल का है, और मेरा पेट्रा कहाँ गया बे, मेरा पेट्रा ये रहा, इसमें प्राइम मीट था शायद से, प्राइम मीट दे दे भाई तू इसको, दो मिनट में टेम हो जाएगा प्राइम मीट में तो। वैसे ऐसे भी टेम हो जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि प्राइम मीट दें इसको, हम इसका स्वागत करें हम। ओके रैप्टर तो ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी, रैप्टर मैं टेम करूँगा। ओके इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, और इसको भी हटाता हूँ, हो गया। चलो ये कितना टाइम लेने वाला है। ओके टेम हो गया रैप्टर भाई, इसको ऐसा करता हूँ मैं अपने इसमें रख लेता हूँ भाई। चलो भाई एक ही रॉ मीट में टेम हो गया, रॉ प्राइम मीट में, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को यार एक मॉस चॉप चाहिए। ये क्या खाएगा भाई, पैसिव टेम है लेकिन खाएगा क्या, प्राइम फिश मीट, यार ये भी प्राइम फिश मीट खा रहा है भाई। कोई ऐसी चीज़ खाओ ना जो मैं दे पाऊँ यार अभी। ओके ओके इसकी हेल्थ तो काफी, अबे बे 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 बे। ओके मेरे पास रिसोर्स, भाई नेचुरल नेचुरल हो जा बस, कोई मार ना दे आके। ओके इधर आ इधर आ इधर आ भाई इधर आ भाई, वहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ बैठ यहाँ बैठ भाई, दिमाग का फायदा ले अपना पेट्रा। ओके मैं इधर साइड देखता हूँ यार कुछ मिलता है तो भाई। ओके फियोमिया नहीं चाहिए मेरे को यार, फियोमिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं सोचा था एक स्टैगो दिख जाता है इधर, लेकिन स्टैगो टेम करने के लिए यार उतनी ज़्यादा औकात तो नहीं है मेरे। क्या है बे ये, क्या हाथ में हैचेट पकड़े क्या बे, नहीं नहीं हैचेट हैचेट कुछ नहीं है। हाँ अबे मर जा भाई, गया क्या, अबे साले तेरे को किसने बोला, यहाँ बैठ यहाँ जा, यहीं बैठ यहीं पे, ये पत्थर में घुसेगा, पत्थर में चेज करेगा ये। ओके 120 ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल गया भाई, 120। तो मैं इधर से शायद से फार्म कर साऊं कर पाऊँ, इधर आओ बे। ओके पहले तो मैं, अगर ये बोला नहीं हुआ तो मेरे लग जाएंगे, तो पैसी वो पहले। ओके बोला हो गया ये। ओके यही चीज़ चाहिए थी, मैं यही चीज़ का नाम भूल गया था, एडवाडॉन, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है।
काफी ज्यादा अच्छी है। ओके आंख भाई मेजो मेरी गाले भाई तू मेजो मेरी गाले। ओके ऐसा करता हूँ इसको इधर रखता हूँ भाई। अब भाई बेरी का जुगाड़ तो हो गया अपना, अब चलो भाई घर चलते हैं। मतलब दुनिया भर घूम रहा हूँ। ओके तो मैं कहाँ उतरूंगा अब? सो पहले तो यार मैं अपने दो अनमोल रत्नों से मिलवाता हूँ, एक तो एक बार डॉन और दूसरा है अपना, अच्छा आ तो गया था हाथी में तो है, दूसरा है अपना ओ आई रैप्टर। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? रुक जाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा उदास ना हो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा एडवांस बना दूंगा ना, तुम मेरी जी हुजूरी करोगे। 10,000 तो कर दूँ। ओके कितना होगा? एक और 10,000 हो गया ऑलमोस्ट शायद से, हाँ हो गया। ओके तो भाई स्टैमिना कर देता हूँ और वेट जो है ना भाई इसका वेट काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा मैं। ओके इतना ज़्यादा मैं 10,000 हेल्थ इसलिए किया, कोई पंगे लेगा तो इसी से दूंगा मैं, तो ज़्यादा देर तक लड़ पाएगा ना, तो इसका तो भाई वेट ज़्यादा बढ़ाऊँगा मैं और इसका मैं मिली डैमेज बढ़ाऊँगा। स्टैमिना भाई 1,000 करूँगा, नहीं 1.5 कर देता हूँ बस, ज़्यादा स्टैमिना नहीं, और वेट बढ़ाऊँगा भाई। और अब मैं बनाने वाला हूँ एक बीन, बीन बनाना है एक नाग वाली बीन, नहीं जिसमें मैं अपना पॉलीमर सेव कर सकूँ, ये वाली बीन। और इनके लिए एक कंपोस्ट बीन, स्पॉइलर बीन नहीं सुना था मैंने, कंपोस्ट बीन हुआ करता था ना स्पॉइलर बीन, यार स्पॉइलर बीन का सीन अभी देखा मैंने, स्पॉइलर बीन क्या स्पॉइल हो जाता है क्या मीट इसमें? ओके स्पॉइलर बीन बना के देखता हूँ मैं, मुझे ये नहीं मालूम था ये भी होता है। ओके छोटा सा तो है ये, मैं इसको कहाँ लगाऊँ, मैं ऊपर ही लगाऊँगा। ओके यहाँ लगाऊँगा क्या? मीट स्पॉइल होता है क्या इसमें? स्पॉइल हो रहा है क्या इसके लिए? क्या दिस ट्रिगर विल स्पॉइल रॉ मीट इंस्टेंटली व्हेन एक्टिवेट विथ पूप। ओके पूप चाहिए ए पूप दे भाई, एक्टिवेट विथ पूप। पूप भाई पूप खा गया ये, कितने पूप चाहिए होते हैं भाई? ओके मैं समझ गया, एक फियोमिया टेम करना पड़ेगा तो पूप से वो स्पॉइल कर देगा, चलो ये अच्छी बात है। चलो बीन बनाते हैं, प्रिजर्विंग बीन। ओके प्रिजर्विंग बीन बन जा भाई, इसकी तो ज़्यादा नीड है मेरे को। ओके चलो इसको यहाँ लगा देता हूँ भाई, ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है ना भाई बचा के रखना पड़ेगा। 360 नहीं भाई, 360 नहीं, मैंने 3 मारे थे भाई। ए पेट्रा कहाँ गया? नीच पेट्रा, ए स्पॉइल मीट दे भाई, स्पॉइल मीट कह रहा हूँ, ये दे भाई नीच पेट्रा भाई 480। हाँ भाई मैं दिमाग खराब हो जाता अभी तो। ओके चलो भाई इसमें कर दिया, लेकिन इसके लिए इसको क्या चाहिए? स्टोर स्पार्क पाउडर। ओके स्पार्क पाउडर चाहिए भाई साहब, स्पार्क पाउडर। चलो भाई फुल कर लेता हूँ, डन। कितने टाइम में अभी स्पॉइल होगा ये? 21 मिनट में होगा, इसको हटा दो तो। 21 मिनट में
भाई हद है, इसको लगाओ फिर भी 21 मिनट, इसको हटाओ फिर भी 21 मिनट, फायदा क्या हुआ भाई? इसके लिए लग रहा मेरे को रेफ्रिजरेटर बनाना पड़ेगा। ओके इसमें इसमें आया नहीं अभी तक यार, तो चलो कोई बात नहीं। सो गाइस यार ऐसा कर लेते हैं कि आज का एपिसोड यहीं पे करते समाप्त, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यार हम इससे एक बार ढोंग से वेरी फार्म करेंगे, इससे जाएंगे एक राउंड मारने नीचे नीचे वाला, फैक्ट्रा से नहीं मारेंगे, नीचे देख के आएंगे कैसी लगती दुनिया। ओके तो बाय बाय, मैं उल्टा देख रहा था क्या। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।